हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है बहुत ही अच्छा, क्योंकि आज हम मम्मी को देने वाले हैं एक सरप्राइज़। सो डैडी आए हैं चंडीगढ़ से और मम्मी के लिए लेकर आए हैं एक सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ क्या है वो अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। एक्चुअली क्या है, मम्मी का जो बर्थडे है वो आने वाला है तो अभी थोड़ा लेट ही है, फेब्रवरी में है, 10 फेब को। बट डैडी जो है चंडीगढ़ से, तो उन्होंने सोचा कि पहले ही गिफ्ट ले चलता हूँ और अभी मम्मी को वो गिफ्ट देंगे हम, और देखते हैं मम्मी को कैसा लगता है और कैसा नहीं, अच्छा लगता है या नहीं। सो अभी तो मम्मी फ़िलहाल किचन में कुछ काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में बुलाते हैं हम और उनको सरप्राइज़ देते हैं। ये रहा मम्मी का सरप्राइज़, ये रहा मम्मी का फ़ोन। वैसे मम्मी को पता है कि फ़ोन लाने वाले थे डैडी, बट ये नहीं पता कि कैसा दिखने वाला है फ़ोन और कौन सा वाला फ़ोन है। सो उनको अभी देखते हैं और उनको पूछते हैं कि उनको पसंद आया या नहीं। सो चलिए देते हैं। अभी यहाँ पे मम्मी बैठ चुकी है अपना गिफ्ट के लिए। ये लो मम्मी, ये रहा मम्मी का फ़ोन और मम्मी को बहुत ज़्यादा खुशी है। मम्मी पहली बार अनबॉक्स कर रहे हैं क्योंकि मम्मी को हमेशा पुराने ही फ़ोन मिलते थे। मैं भी कैमरे में आ रही हूँ। ओ वाओ, ये तो बहुत ही सुंदर है। वाओ कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा। अच्छा ना, यूनिक है। हमारे पास सब ब्लैक कलर के ही होते थे फोन हमेशा, ये गोल्डन है थोड़ा सा वैसे अच्छा कलर लग रहा। अच्छा लग रहा है। सो इसके साथ मिला है, ये है रेडमी का, है रेडमी नोट 13 5G है और न्यू मॉडल है एकदम। और इसके साथ जो मिला है वो एक कवर है, मैं एक ही हाथ से निकाल रही हूँ तो। और ये रहा कवर इसके साथ जो मिला है वो, और इसी के अंदर हमें मिलने वाला है एक चार्जर, ये है। और एक डैडी ये एक्स्ट्रा भी कवर लेकर आ गए हैं, बिकॉज़ फिर यहाँ पे मिलते नहीं हैं तो डैडी ने सोचा कि एक और लेकर आ जाते हैं। ये भी ब्लैक है और ये जो इसके साथ मिला ये भी ब्लैक ही है। बट ये रहा फ़ोन और कितना चमक रहा है ना, वाओ बहुत ही सुंदर है। न्यू अभी मॉडल एकदम से निकला ही है अभी, तो अभी इसमें तो सेटिंग वगैरह, सिम वगैरह डालनी है इसके अंदर, तो अभी तो सब कुछ सेटिंग मैं करके दूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है फ़ोन से। सो ये रहा मम्मी का फ़ोन और मम्मी से ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट है फ़ोन की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है नए नए गैजेट्स यूज़ करना और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। हे गाइज, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आपने मम्मी का गिफ्ट तो देख ही लिया होगा जो कि मम्मी को बहुत पसंद आया है। एंड आज जो है बहुत ही अच्छा दिन है, आज है 22 जनवरी और हमें पता ही, आप सबको पता ही है कि आज का दिन कितना ज़्यादा स्पेशल है हम सब के लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन है आज, और तो आज जैसे कि सभी इंडियन, आज सभी लोग जो हैं मंदिर में पूजा कर रहे हैं। सो हमारे यहाँ पर जो गांव में हमने टेंपल बनाया था वहाँ पर भी हमने पूजा रखी है सभी गांव वालों ने, और सभी गांव वालों ने रखी है, और आज ही भंडारा भी है और कीर्तन होगा। सो हम सब उसी के लिए अभी रेडी हो रहे हैं, मतलब मैं भी थोड़ी देर में हो जाऊंगी अभी रेडी। मम्मी पापा तो सभी चले गए हैं, मम्मी डैडी और गांव में जितने भी लोग हैं वो, क्योंकि वहाँ पर भंडारे की तैयारी प्रिपरेशन करनी होती है और कीर्तन वगैरह भी अभी लगेगा, तो वो लोग तो चले गए हैं। बट मैं थोड़ा सा लेट जाने वाली थी, सो मैं अभी बस रेडी होंगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या क्या वहाँ पर चल रहा है, कैसे कैसे। शायद मैं जाऊँगी तो बन ही चुका होगा खाना तो, और आज खाने में जो है छोले एंड पूरी है और हलवा है, बहुत टेस्टी होने वाला है। सो मैं जाऊंगी अभी थोड़ी देर में और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम मंदिर जाने के लिए, एंड बस अभी चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या प्रिपरेशन हो चुकी है और कीर्तन स्टार्ट हुआ है या नहीं। बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी गाओ आगे गाओ गाओ। मैं इधर मंदिर में गया था तो आशिक बोले थे वाह वाह।
गाओ पहले गाओ गाना भजो के बाक्स डांस पे करो ना बिग डांस झोपड़े के बाक्स खुल जाएंगे राम आएंगे वेरी गुड राम आएंगे जंगल सजाऊंगे दीप जले मैं मनाऊंगे चलो झोपड़े के बाक्स खुल जाएंगे राम आएंगे वेरी गुड। तो बस अभी हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की तरफ और मेरे साथ हैं ये ट्रिपलेट्स। सो अभी इनका भजन आपने सुना ही है, बहुत अच्छा भजन गाती हैं। तो बस अभी ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। कुछ इस तरह से रास्ते हैं हमारे मंदिर के लिए, वो ऊपर रेल। इधर देखो सभी, हेलो करो। तो अभी जो आप लोग ये थोड़ी सी क्लिप्स देखोगे ना, ये मेरे डैडी ने रिकॉर्ड कर ली थी क्योंकि मैं तो बहुत लेट गई थी और उससे पहले जो प्रेपरेशंस वगैरह थी वो उन चीज़ों की डैडी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी मेरे लिए। सो अभी जो आप व्लॉग देख रहे हैं वो डैडी की पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये हमारा टेम्पल है, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है और इस पर अभी काम चल ही रहा है, थोड़े टाइम में हो जाएगा कम्प्लीट ये भी। और ये सुबह सुबह के टाइम पर जब सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और जो भी हमने भोग बनाना था यानी कि हलवा था और जो सब्जी बनानी थी और पूरियाँ, उन सब की प्रेपरेशन यहाँ पर चल रही थी। सो यहाँ पर डैडी ने रिकॉर्ड कर लिया है तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अभी बीच में वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आप देखोगे वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, जब मैं पहुँच गई थी वहाँ पर उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था। सो यहाँ पर मम्मी हलवा बना रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कर सकते हैं हम, तो जैसे कि अभी आपने पीछे देखा कि कीर्तन भी हो गया था उस टाइम पर और भोग के लिए जो सामान बनना था, हलवा पूरी और सब्जी, वो भी बन गई थी। यहाँ पर आ रही हैं कुछ लेडीज़ जो कि थोड़ा सा बाद में आए थे और अभी आप लोगों को मैं भी दिखूंगी वहाँ पर आते हुए। सो मैं आ रही थी, वो ट्रिपलेट्स आ रही हैं मेरे साथ। सो यस, हमारे गांव में ट्रिपलेट्स हैं और इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा इनको, कितना अच्छा भजन गाया है उन्होंने। और आगे आप देखोगे इनका डांस, बहुत ही अच्छा डांस करते हैं और बहुत ही प्यारी हैं ये तीनों। सो अभी आप देखोगे। और यहाँ पर मैं आ रही थी तो डैडी ने तब भी रिकॉर्ड कर लिया था और ये अच्छा हुआ था क्योंकि मैं वरना वहाँ का मिस कर देती, कि मैं थोड़ा लेट गई थी क्योंकि, तो मैं मिस कर देती वहाँ पर। तो अच्छा है कि डैडी ने पहले ही वहाँ पर रिकॉर्ड करके रख लिया था। और इसके बाद जो था यहाँ पर, मैं जब पहुँची तो फिर वो हलवा जो प्रसाद था और चरणामृत होती है वो देनी होती है सबको, तो मैं और मम्मी यहाँ पर वही दे रहे हैं। अभी आगे का व्लॉग आप लोग इन्जॉय करना यहाँ पर। Thank you.
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। गाइज मैं आ चुकी हूँ घर वापस और मैंने भंडारा भी खा लिया, कीर्तन भी हो गया था। जब मैं गई थी ना तो कीर्तन तो पहले ही हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। और सभी वहाँ पर मेरे जाने के बाद भी वहाँ पर थोड़ा बहुत भजन हुए, डांस वगैरह हुआ और फिर हमने खाया। और आप लोगों के मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के भी घर पर या फिर मंदिरों में आज के दिन कीर्तन वगैरह हुआ है या नहीं, और आप लोगों को कैसी लगी है ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आई होप अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।